नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें अपन स्टडी करेंगे, एक अपन ओवरव्यू लेंगे, जनरल ओवरव्यू, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, देन लास्ट टॉपिक आता है ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले अपन एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट है एक सेंट्रल डॉग्मा का। कंसेप्ट है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा कंसेप्ट क्या कहता है कि डीएनए जो रहता है हमारी कोशिका के अंदर, डीएनए जो रहता है उस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से उसके बाद ही प्रोटीन का निर्माण होता है। एक और चीज अपन इसमें कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए, देन आरएनए और देन प्रोटीन। इसमें देखिए बच्चों, डीएनए से जब डीएनए का निर्माण हो रहा है तो उसको कहते हैं अपन रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन भी, जिसको अपन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपिकरण। इसको कहते हैं प्रतिकृति। देखिए बच्चों, इसमें क्या रहता है, डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है, यानी कि कोशिका विभाजन के समय जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन, और जब डीएनए से जब आरएनए का निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का निर्माण होता है, उसको अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिकृतिकरण। आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उसको कहते हैं अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन। ये वाली जो प्रोसेस है ये होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है, जबकि ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि कोशिका द्रव्य जो रहता है हमारा उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए का निर्माण, यह है कोशिका विभाजन के समय होती है, जबकि ये दोनों प्रोसेस जीवन पर्यंत चलती रहती है कोशिका के अंदर। एक और चीज रहती है आरएनए से डीएनए का निर्माण। आरएनए से जो डीएनए का निर्माण होता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उल्टा हो जाता है इसके अंदर, आरएनए से डीएनए का निर्माण जब होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी आप लोगों ने सुना है कि ये जो अपने वायरसेस होते हैं, यह आपके टू टाइप्स के वायरसेस होते हैं, एक होता है आरएनए वायरस, एक होता है डीएनए वायरस। जैसे कि आरएनए वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस जो है ये आरएनए का वायरस है, एड्स वायरस है, एड्स वायरस भी आरएनए वायरसेस ही होते हैं। आरएनए वायरसेस क्या करते हैं, आरएनए वायरसेस के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यह मॉलिक्यूल रिवर्स जो रहता है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, ये क्या करता है आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण कर देता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब अपन एक एक करके इस टॉपिक लेते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का और भी लेंगे आज अपन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन को अपन अच्छे से
स्टडी करेंगे। अब बात आती है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अमूमन रहता है सेल डिवीजन पे, आपकी जो सेल डिवीजन होती है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और एस फेज जो रहती है, एस फेज जो रहती है कोशिका विभाजन की सिंथेसिस प्रावस्था जो रहती है एस प्रावस्था, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की घटना होती है। इसमें होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, अपने स्टडी करते हैं जनरली इसको प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि जीवाणुओं के अंदर अपन इसको स्टडी करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या रहता है कि डीएनए की जो अमाउंट रहती है कोशिका के अंदर, डीएनए की अमाउंट जो है वह डबल हो जाती है। ठीक है, जितना जैसे कि आपके पास में पूरा डीएनए है उसके बाद जो डिवाइड करके ये बनाएगा, टू कोशिकाओं का निर्माण करेगा, दो कोशिकाएं बनाएगा, तब इसका जो डीएनए अमाउंट है वह सेम टू सेम इन दो कोशिकाओं के अंदर भी चला जाता है, इसलिए डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। डीएनए का जो अब रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि सबसे मेन रोल अदा करता है। अब देखिए बैक्टीरियाज वगैरह जो है उनके अंदर तीन प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो जीव होते हैं, यूकैरियोट्स जो जीव होते हैं उनमें पांच प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनके अलावा भी कई सारे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। थैंक यू।